हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटो ब्लॉगिंग को लेकर। ऑटो ब्लॉगिंग होता क्या है? ऑटो ब्लॉगिंग उसको बोलते हैं जब हम अपना कोई ब्लॉग स्पॉट पे कोई ब्लॉग बनाते हैं, उसके बाद उस पर जो पोस्ट डालते हैं उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी वेबसाइट से अपने ब्लॉग को लिंक कर देते हैं RSS फीड की मदद से, और उसके बाद उस वेबसाइट से ऑटोमेटिक उसके जो भी ब्लॉग होते हैं, जो भी पोस्ट होती हैं, वो कॉपी करके हमारे जो ब्लॉग है उस पर पोस्ट होते रहते हैं ऑटोमेटिक। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल अपना ब्लॉग बनाना है, RSS फीड की मदद से किसी की वेबसाइट को अपने ब्लॉग से लिंक करना है और ऑटोमेटिक ही उसकी सारी पोस्ट हमारे ब्लॉग पर पोस्ट होने लगेंगी, तो इसको बोलते हैं ऑटो ब्लॉगिंग। अब दूसरा सवाल आता है कि ऑटो ब्लॉगिंग क्या लीगल है? तो मैं कहूँगा कि ऑटो ब्लॉगिंग लीगल नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप बिना किसी से पूछ के उसका मटेरियल अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग पे ऑटोमेटिक कॉपी पेस्ट कर रहे हो, और किसी के भी डेटा को अगर आप वहाँ से उसको बिना बताए उठाते हैं तो उसको हम कॉपी पेस्ट नहीं, उसको हम चोरी भी बोल सकते हैं, और कोई भी चोरी को हम लीगल कैसे घोषित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल आता है कि अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, काफ़ी सारे लोग ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं, वो ये बात कहते हैं कि हमारे जो पोस्ट हैं उन पर व्यू नहीं आ रहे हैं। तो व्यू ना आने का कारण ये है क्योंकि आप जहां से भी कोई भी पोस्ट उठा रहे हो तो ऑलरेडी वो पोस्ट रैंक होती है, उस पर व्यू आ चुके होते हैं। और अगर आप किसी एक वेबसाइट पे किसी एक पोस्ट को जब कोई पहले ही देख चुका है तो वो क्यों फिर आपकी वेबसाइट पे आएगा और आपकी पोस्ट को देखेगा? इसके अलावा जो भी आप पोस्ट करते हो तो वो कभी रैंक नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी वही चीज़ें किसी और वेबसाइट पे हैं और वहाँ ऑलरेडी वो चीज़ रैंक है। तो ये आप भूल जाइए कि किसी के भी डेटा को आप कॉपी करके अपने जब वेबसाइट या ब्लॉग पे पोस्ट करेंगे या फिर ऑटो ब्लॉगिंग के द्वारा वो चीज़ आपके ब्लॉग पे पोस्ट हो जाएगी तो वो चीज़ कभी रैंक नहीं हो सकती, उस पर व्यू नहीं आ सकते। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हम अपनी ऑटो ब्लॉगिंग को अपने एडसेंस से कैसे अप्रूव करें या फिर करें या ना करें, ये ठीक रहेगा या नहीं? तो मैं कहूँगा कि एडसेंस से आप अपने ब्लॉग स्पॉट को अगर आप ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करें, उसे अप्रूव नहीं करें, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपके एडसेंस पे आपकी जो पोस्ट है उस पर कभी भी कॉपीराइट आ सकती है, और लगातार 4 कॉपीराइट आने से आपका जो एडसेंस है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। तो एडसेंस से आप अपने ऑटो ब्लॉगिंग वाले ब्लॉग स्पॉट को कभी भी कनेक्ट नहीं करें। अब लास्ट क्वेश्चन रह जाता है कि क्या हम ऑटो ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं? तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, थोड़ी बहुत आप ऑटो ब्लॉगिंग से भी अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने ब्लॉग स्पॉट को किसी अल्टरनेट जैसे कि एडसेंस के जो अल्टरनेट काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जो कि एड्स प्रोवाइड करती हैं, तो उनकी मदद से आप कुछ हद तक अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते क्योंकि जब आपकी पोस्ट पे व्यू ही नहीं आएंगे, जब विजिटर ही कोई आपके ब्लॉग पे नहीं आएगा तो फिर एड्स को कौन देखेगा, और जब एड्स को कोई नहीं देखेगा तो आपको फिर किस बात का पैसा मिलेगा? तो मेरा मानना ये है कि आप अगर ऑटो ब्लॉगिंग करते हैं तो ऑटो ब्लॉगिंग ना करके अपनी खुद की ब्लॉगिंग करिए, खुद अपनी पोस्ट लिखिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप खुद से ब्लॉग पोस्ट करते हैं, खुद से अपने आप से ही ब्लॉग को लिखते हैं, तो अगर आप वहाँ पे अपने एडसेंस को अप्रूव भी करवा लेते हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा खतरा नहीं रहेगा कि जिससे कि आपका एडसेंस ब्लॉक हो जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऑटो ब्लॉगिंग आप ना करें, अपनी खुद की ब्लॉगिंग करें और खुद से पोस्ट ऐड करें। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।